घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद या संभाजीनगर जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर बैरुल गांव के पास स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे प्रकट हुआ इसको लेकर हमारे पुराणों में कथा है। एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से ये पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वह उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो ये बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन गुस्मा को विवाह करके घर ले आया। गुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त थी। गुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बहन प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो गुस्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है, उसके पति पर भी गुस्मा ने अपना हक जमा रखा है, गुस्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने गुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके सबको तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहाँ गुस्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को शिराया करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। गुस्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन गुस्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में सिराने गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह गुस्मा के चरणों में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं घूम कर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने गुस्मा से बर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन गुस्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो ऐसा ना करें और उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापिस मिला है, अब सुदेहा को माफ कर दें। गुस्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने गुस्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त गुस्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुस्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि इस शिवालय तीर्थ के दर्शन किए बिना घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और आप भी अगर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सके तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।